हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा मेरा पहला लेक्चर डिस्कशन होगा संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज पे, जो कि 22 मई को हुआ था। ये पहला टेस्ट था और हम आपके लिए बायोलॉजी का डिस्कशन करने आए हैं। जैसा कि हमारे गुरुजी लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका नाम बेसिकली संजीवनी डीटीएस पड़ा क्यों, संजीवनी ही क्यों पड़ा। ये हमारे गुरुजी बता चुके हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उनके प्राण पे बन आई थी, तो राम जी ने हनुमान जी को वो पर्टिकुलरली संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा था, जिससे उनके जान प्राण की रक्षा हुई थी। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या काम है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके आसपास जो भी इंसिडेंट्स हुए हों, चाहे पास्ट में या जो हो रहे हों, हमेशा उसको अपने आप से कोरिलेट करने की कोशिश करिए। ये वो जड़ी बूटी है जिसने एक मूर्छित, आखिर लक्ष्मण जी राम जी भी भगवान थे, लेकिन फिर भी उनको एक बूटी की जरूरत पड़ी, जो कि हमारे कथा में लिखी गई है। तो आखिर यहाँ पे उसकी क्या जरूरत पड़ गई। ये उन बच्चों के लिए है, उन कॉम्पिटिटर्स जो कि हमारे साथ गुरुकुल में जुड़े हैं, वो बच्चे भी जो ये वीडियो देखेंगे जो हमारे साथ गुरुकुल के साथ नहीं जुड़े हैं, ये वीडियो सबके लिए है, गुरुकुलियंस के भी लिए भी, नॉन गुरुकुलियंस के लिए भी, इन शॉर्ट सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए है। ये संजीवनी डीटीएस इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हर वो बच्चा जो अपने राह से भटका हुआ हो या अपने मंजिल पे फोकस ना कर पा रहा हो, ध्यान दीजिएगा, राह से भटका हुआ, वो भटकाव कुछ भी हो सकता है। अब वो भटकाव आपसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता, उस भटकाव से खुद को बचाने के लिए, खुद को आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डीटीएस लॉन्च किया गया है। अब इस डीटीएस का फायदा किस हद तक और कहाँ तक आप उठा सकते हैं, ये इंडिविजुअल कंपटीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ में जितने भी कंपटीटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मींस जितने भी गुरुकुलियंस हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी बच्चे नहीं भी जुड़े हैं, उतनी ये कोशिश की जा रही है वीडियो बना करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ करके, कि आप लोग के डाउट सेशन को मिटाया जाए। अब थोड़ा सा समय और लेंगे, 5 मिनट का, आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये डीटीएस आपके काम कैसे आएगा। जैसे यहाँ ये लिखा है डीटीएस, गुरुकुल एक टेस्ट सीरीज कराता है डीटीएस के बाद, उसका नाम होता है ईटीएस, एकलव्य टेस्ट सीरीज। इस डीटीएस से ईटीएस तक के पहुंचने का सफर, ये आपकी मेहनत ही आपको कहाँ ले जाएगा, आपके मन चाहा मेडिकल कॉलेज में। कहाँ ले जाएगा, मन चाहा मेडिकल कॉलेज में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डीटीएस जो कि आप डेली परफॉर्म करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन का होता है पर सब्जेक्ट, ईटीएस जो कि डीटीएस से लेके ईटीएस तक का सफर ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये डीटीएस क्या है, डीटीएस आपका डेली टेस्ट सीरीज है जो कि पर सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा। कितने क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस को। जब ईटीएस गुरुकुल कंडक्ट कराता है तो ईटीएस का फुल पैटर्न किसका पैटर्न होता है, नीट पैटर्न होता है। किसका पैटर्न होता है, नीट पैटर्न का होता है। और ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ईटीएस को शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन ईटीएस के पहले इस बार गुरुकुल ने फिर से फ्रेश लॉन्च निकाला है, वो क्या है, डेली टेस्ट सीरीज, जो कि डेली आपके 20 क्वेश्चन को, पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन डेली को तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी बच्चा इस डीटीएस से ईटीएस तक के सफर को नापेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारे साथ मेहनत करेगा, वो लिखवा के रख ले, वो अपनी मंजिल से कभी दूर हो नहीं सकता। एक बात जान लीजिए, इस कदर मेहनत करने, मेहनत में डूब जाना है, इस कदर मेहनत में डूब जाना है कि खुद का कतरा कतरा बोले कि मुझे एम्स जाना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद डेली को इतना इतना ज्यादा झकझोर देना है, इतनी मेहनत करनी है कि हमारा कतरा कतरा कहे क्या कि हमें एम्स जाना है। आपने सारे बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा वर्चस्व व्यक्तित्व पूरे भारत का अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। कौन है, मोदी जी हैं। आपको ध्यान होगा जब मोदी जी गंगा आरती के लिए गए थे पहली बार, जब उन्होंने सारे उसका लोकन किया था, आवरण किया था, तो उन्होंने अपने भाषण में एक चीज बोली थी, बोली थी कि पहले मुझे लगता था कि मैं वहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, काशी जा रहा हूं, लेकिन जब मैं काशी पहुंचा तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे किसी ने भेजा है। ठीक है, मुझे ये नहीं लगा कि मुझे किसी ने भेजा है, मैं यहां आया हूं। नहीं,
मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उसी तरीके से हर उस कॉम्पिटिटर के रगों में ये होना चाहिए कि मुझे वहाँ कोई भेजेगा नहीं, मैं वहाँ खुद जाऊँगा नहीं, मैं खुद इस काबिल बनूंगा कि मुझे हर मेडिकल कॉलेज, जो भी आपका मनचाहा मेडिकल कॉलेज हो उसका नाम लीजिए और कहिए मुझे वो एम्स ने बुलाया है। हर गुरुकुलियन से स्पेशली वो सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं और भी गुरुकुल को छोड़ के जितने भी कॉम्पिटिटर्स इस वीडियो को देख रहे हो, अपने अंदर इस जज्बात को जगा लें कि मुझे किसने बुलाया है, मुझे एम्स ने बुलाया है। ठीक है, ये थोड़े बहुत मोटिवेशनल चीज़ें चलती रहेंगी, बाकी बीच बीच में ये क्लिप्स आते रहेंगे, लेकिन एक बात आप लोग हमेशा फोकस पे रखिएगा, जिसने भी ETS DTS से ले करके, DTS means daily test series से ले करके ETS तक के सफर को एम बनाया है कि ये जो DTS लॉन्च हुआ है और जो ETS गुरुकुल पाठशाला हमेशा कराते आया है, इस DTS से ETS तक का सफर ही आपके एम को आपके एम्स तक पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, ये DTS से लेकर ETS तक का सफर ही आपका जो एम है ना, आपका जो लक्ष्य है, उस एम को आपके एम्स तक पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान